Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Heather. Today we are discussing about an important topic, e-accounting. जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो वर्ल्ड है वो मोबाइल फ्रेंडली है. ठीक है, हर कोई चाहता है कि फिंगर टिप पे उसका काम हो जाए. तो हर कोई जो कैरियर ऑप्शन तलाशता है वो ऐसा तलाशता है ताकि उसका काम आसान हो जाए और डिटेल में हो जाए. तो ई अकाउंटिंग से हमारा मतलब है इंटरनेट अकाउंटिंग, या आप इसे बोल सकते हैं कि पोर्टल वाइज अकाउंटिंग. तो इसमें कैरियर कैसे बन सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है और होता क्या क्या है, वो आज सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ई अकाउंटिंग क्या है. ठीक है, तो हम समझेंगे व्हाट इज़ ई अकाउंटिंग, एक्चुअल में ई अकाउंटिंग है क्या, पैन टैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं, जीएसटी रिटर्न्स क्या होती हैं, ई फाइलिंग आईटीआर क्या होती है. ठीक है, देन टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न्स क्या होती हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ई अकाउंटिंग. जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि 99% लोग मोबाइल यूज़र्स हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं किसी ना किसी वे में, तो वो चाहते हैं कि उनका काम आसान हो. तो ई अकाउंटिंग मीन्स इन ई अकाउंटिंग और ऑनलाइन अकाउंटिंग इज़ न्यू डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ अकाउंटिंग. ये एक नया डेवलपमेंट है अकाउंटिंग के फील्ड में. इट मीन्स ऑल योर ट्रांजेक्शन्स विल रिकॉर्ड इन ऑनलाइन सर्वर और डाटाबेस. तो जितना भी आपका काम है या जितना भी आपका डाटा है वो सारा ऑनलाइन सर्वर पे या डाटाबेस में रिकॉर्ड होगा. जस्ट लाइक वेबसाइट, जैसा कि आप वेबसाइट या ब्लॉग्स वगैरह चलाते हैं या वेब ब्लॉग्स लिखते हैं, वो सारी चीज़ें. बट फॉर ओपनिंग और मेकिंग अकाउंट्स विल यूज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. जैसा कि आप देखते हैं जीएसटी का, अगर आपको किसी का रजिस्ट्रेशन भरना है या आईटीआर रिटर्न्स भरनी है, तो आपको एक लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है. जस्ट लाइक सिमिलर आपके फेसबुक टाइप में, जब आप फेसबुक पे कोई अपनी फोटो डालना चाहते हैं या अपनी कोई वीडियो डालना चाहते हैं, तो आपको एक यूज़र आईडी मिलती है और एक पासवर्ड मिलता है. आप उसको ओपन करते हैं, देन वहाँ पे अपनी शेयर्स करते हैं सारी वीडियोज़ एंड आपके फोटोज़ या कोई इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इसी तरह से जब आप आईटीआर की बात करते हैं या फिर पैन की बात करते हैं या टैन की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं. अगर आपको एक अकाउंटेंट बनना है तो आपको आज के टाइम के हिसाब से एक ई फाइलिंग करनी आनी मैंडेटरी है. लाइक आप टीडीएस की बात करें, टीडीएस की बात करें, आईटीआर की बात करें, जीएसटी की बात करें, सब जो टोटल पोर्टल्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हैं आपके आज. इनकम टैक्स एंड ई फाइलिंग की बात करें, यानी आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात करते हैं अगर हम, तो वो सारे के सारे आपके ऑनलाइन हैं. जीएसटी ई फाइलिंग रिटर्न्स की बात करें, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9, सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है. टीडीएस रिटर्न्स और ई फाइलिंग की बात करें, लाइक 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ, 16 फॉर्म जनरेट करने की बात करें, या ट्रेस से आप फॉर्म 16A निकालने की बात करें, सब कुछ आपका टोटल बेस्ड है ई अकाउंटिंग पे, यानी ऑनलाइन अकाउंटिंग पे. ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये भी सब ऑनलाइन ही होता है आज के टाइम में. तो ये सारी नॉलेज आपको ऑनलाइन बेस्ड होनी चाहिए आज के हिसाब से. ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन कर सकता है ई अकाउंटिंग, या इसके लिए क्वालिफिकेशन या एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है. मस्ट हैव पास 12th, आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए. अगर आप कॉमर्स साइड से तो वेल गुड, अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो मस्ट है आपकी को है कि आप ई अकाउंटिंग की नॉलेज रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में सारा कुछ आपका ई अकाउंटिंग बेस्ड ही होने वाला है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक्चुअल में ई अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं. तो और इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल के बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय.